1,00,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है, 1,00,000 से ज्यादा लोगों को। अब ये खबर आप सोचेंगे कि कुत्ते ने काटा है सामान्य खबर है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश के संसद में बहस हो रही है कुत्तों के काटने पर, और आंकड़ा बताऊंगा आपको तो आप चौंक जाएंगे। सावधान करना और रहना दोनों ही जरूरी है। चलिए खबर की शुरुआत कर लेता हूं, और खबर क्या यह बता देता हूं। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, लिफ्ट में अपने कुत्ते को ले जा रहे हैं, उस कुत्ते ने अगर किसी को काट लिया तो सोसाइटी में मीटिंग हो जाती है। मीटिंग में हल नहीं निकला तो झगड़ा हो जाता है। आज जो कुत्तों के काटने की खबर बताऊंगा उसको देखकर आप चौंकेंगे जरूर, क्योंकि लाखों लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है, लाखों लोगों को, चौंक गए ना। ये सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में 1,20,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। परेशान करने वाली खबर है। अक्सर खबर दिखाते हैं बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, महिला को कुत्ते ने काट लिया, कभी राह चलते बुजुर्गों को कुत्ते घसीट ले जाते हैं। लेकिन आंकड़ों में जब ये घटनाएं आई तो सब चौंक गए। ये आंकड़ा 1,00,000 से भी ज्यादा का है। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच का मामला है। 1 साल में प्रदेश में 1,19,928 लोगों को कुत्तों ने काटा है, यानी हर दिन प्रदेश में करीब 327 लोगों को कुत्ते काट देते हैं। सबसे खराब हालत राजधानी रायपुर में है। राजधानी रायपुर में यहां पिछले साल 15,953 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। बिलासपुर में 12,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया। दुर्ग में 11,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हुए, 11,000 से ज्यादा। मानवाधिकार आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यह भी लिखा है कि लोग सुबह और शाम को घरों से निकलने में डरने लगे हैं। डरना भी चाहिए भाई, इन आंकड़ों को देखने के बाद तो मैं भी डरने लगा हूं। इस मामले पर छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग क्या कह रहा है और सबसे ज्यादा शिकार हुए रायपुर के नगर निगम कमिश्नर क्या कह रहे हैं, यह भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए जरा। आयोग ने स्वतःस्फूर्त इसमें जानकारी एकत्रित की है। जानकारी में प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला कि 1,19,000 करीब लोगों को छत्तीसगढ़ की विभिन्न जिलों में आवारा कुत्तों ने काटे हैं और उनके इलाज हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, और वैक्सीनेशन के बाद वो लोग ठीक हुए हैं। केवल 3 नागरिक का मृत्यु हुई है। इसमें एक्चुअली एक नीतिगत निर्णय लेने की ज़रूरत है, स्पेशली क्योंकि ये दोनों पक्ष आते हैं, एनिमल लवर्स और एनिमल राइट्स वाले आते हैं, और जो स्पेशली विक्टिम्स होते हैं ऐसे केसेस में अक्सर हम लोग देखने को मिलता है, दोनों साइड्स आते हैं। इसमें एक नीतिगत निर्णय ऊपर लेवल में होना चाहिए कि क्या किया जाए। और डॉग शेल्टर की हम लोग डॉग शेल्टर एक बना रहे हैं, दिल्ली के बाद सेकेंड डॉग शेल्टर बनेगा ये, और लगभग सितंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट करा देंगे इसको, और शेल्टर के साथ साथ ये एक क्रीमेटोरियम भी रहेगा। कुत्तों के काटने का मामला तो 1,00,000 पार है, लेकिन इस मामले में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसका मतलब है कि मामले आ रहे हैं लेकिन टाइम पर रेबीज का इंजेक्शन लग जा रहा है। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं। डॉग जब बाइट कर देता है इसके बाद है वो जिम्मेदारी हमारी आती है, तो हम तो चाहेंगे कि एक भी केस ना आए, क्योंकि कुत्ते के काटने के बाद इलाज हमको ही करना होता है। परंतु ये मैं बता दूं कि हमारे पास डॉग बाइट के जो इंजेक्शन है, एंटी डॉग बाइट जो होता है, जो रेबीज का, तो रेबीज का हमारे पास पर्याप्त में स्टॉक उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहां रेबीज के टीके और इंजेक्शन ना हो। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि डॉग बाइट के बाद भी जिम्मेदारी हमारी है, रेबीज के इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। ये तो बात छत्तीसगढ़ की हुई, लेकिन आपको पता है पूरे देश में 1 साल में 286 लोगों की जान कुत्तों के काटने से हुई है। 1 साल में कुत्तों के काटने का मामला देश में कितना बढ़ रहा है, आंकड़ों को देखकर चौंक जाएंगे आप। साल 2021 में 17,00,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा था, 17,00,000 से ज्यादा। 2022 में ये आंकड़ा 21,00,000 पार पहुंच गया, और साल 2023 में तो ये आंकड़ा 30,50,000, सोचिए आप, 30,00,000 पार चला गया है। पिछले 3 साल में मामला 17,00,000 से 30,00,000 पार चला गया है, और 30,00,000 में छत्तीसगढ़ का ही 1,19,000 के करीब है छत्तीसगढ़। आपको पता है ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि संसद के दोनों सदनों में भी उठाया गया है। सांसद बोल रहे हैं संसद में,
सुनाइए क्या कह रहे हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने ये कहा था कि इनकी जनगणना कराकर नसबंदी करानी चाहिए, लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने जो राय दी है उसका उसमें पालन किया जाना चाहिए। पर्याप्त अस्पतालों में एंटी रेबिज वैक्सीन की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय पर उठाना चाहता हूँ। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 30.5 लाख लोगों को भारत के अंदर कुत्तों ने काटा है और उसमें 286 लोगों की मृत्यु हुई है। मुद्दा बड़ा है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, देश की संसद में सांसद बोल रहे हैं, सीधे आपसे जुड़ा है इसलिए बताना जरूरी था। सीधे मुद्दे की बात तो यही है, प्रशासन अपने अपने जिले में सतर्कता बरके, सतर्क हो जाए, कुत्तों की बढ़ती आबादी को रोका जाए, नहीं तो ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा, नुकसान हमारा आपका होगा।